हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे मैं कृतिका पांडे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो कई आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए ऑर्डर प्रोसेसिंग विद जीएसटी एंड डिस्काउंट मैंने आपको पहले ऑर्डर प्रोसेसिंग पढ़ाया है पर तब मैंने आपको जीएसटी और डिस्काउंट के साथ नहीं पढ़ाया है इसलिए आज मैं आपके आपके लिए ऑर्डर प्रोसेसिंग जी और डिस्काउंट के साथ लेके आई हूँ जी का मैंने आपको पढ़ा दिया है कि जी कैसे अप्लीकेबल करते हैं कैसे परचेज और सेल की एंट्री करते हैं तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा वहाँ से जाके आप वीडियो वीडियो देख सकते हैं साथ ही साथ आप टैली प्राइम के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के टैली प्राइम प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं डेलीस का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा वहां से जाके भी आप सारे वीडियोस देख सकते हैं टैली आर पी का कोर्स भी हमारा कंप्लीट हो चुका है ऐसे ही आपको हमारे चैनल में टेली आरपी नाइन ट्रिपल सी लिब्रे ऑफिस एम ऑफिस जैसे काफी सारे कोर्सेज मिल जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना किसी देरी किए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक तो हमेशा की तरह मैं आपको वैसे ही पढ़ाने वाली हूँ नोट्स और असाइनमेंट के साथ में तो हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर प्रोसेसिंग विद जीएसटी एंड डिस्काउंट अब ऑर्डर प्रोसेसिंग आप जानते हैं दो तरीके का होता है परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग और एक सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑर्डर प्रोसेसिंग होता क्या है सबसे पहले ये समझ लेते हैं तो बेसिकली जब भी हम किसी को कभी ऑर्डर देते हैं मान लिया अगर हम फ्लिपकार्टे कोई सामान परचेज कर रहे हैं अब हमने ऑर्डर किया ऑर्डर करते ही हमें एक ऑर्डर नंबर मिल जाता है फिर हमारा सामान आता है फिर कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें से हम कुछ सामान वापस कर देते हैं कभी क्वालिटी इशू होता है तो कभी क्वान्टिटी इशूज होते हैं तो कभी डिफेक्टिव आइटम्स होते हैं इसलिए हम उसको वापस कर देते हैं फिर हमारे पास उसका रिप्लेसमेंट आता है फिर हम उसका पेमेंट करते हैं तो बेसिकली ये पूरा जो एक ऑर्डर का प्रोसेस सर जो प्रोसेस जो चलता चला आ रहा है ना एक ही ट्रैकिंग नंबर से उसे हम कहते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग जैसे मान लिया अगर हम बिजनेसमैन हैं और हम किसी होलसेलर से कुछ सामान लेने जा रहे हैं फॉर एग्जांपल अगर हमारा बिजनेस है कीबोर्ड माउस का तो हमने उन्हें ऑर्डर दिया कि हमें सौ कीबोर्ड 100 माउस चाहिए अब उनके पास जरूरी नहीं है कि वही सेम चीज अवेलेबल हो उन्होंने मुझे 100 के बजाय 80 भेजा ठीक है हमें ऑर्डर नंबर पहली बार में ही मिल गया जब ऑर्डर दिया अस्सी भेजा अब पता चला उसमें कुछ डिफेक्टिव निकल गए तो हमने उसमें से हमने बीस दस वापस भी कर दिए ठीक है अब जो फाइनल मेरे पास रह गए उसको हमने क्या किया परचेज कर लिया तो बाद में हम हमने उसी का हमने उसे पेमेंट कर दिया तो देखिए इसमें कितने सारे स्टेप्स हो गए कितनी सारी प्रोसेस हो गई पहले ऑर्डर किया फिर हमें रिसीव हुआ देन हमने उसमें से रिजेक्ट किया फिर फाइनल जो बचे उसको हमने परचेज किया और उसका हमने पेमेंट किया तो ऐसे ही सेम होता है ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑर्डर प्रोसेसिंग रेफर्स टू प्लेसिंग ऑर्डर विद सप्लायर्स फॉर परचेजिंग देम और रिसीविंग ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टमर फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग दिस अलाउस ट्रैकिंग ऑफ द अदर पोजिशन फॉर अ स्टॉक आइटम इसमें क्या होता है बेसिकली एक ट्रैकिंग सिस्टम होता है और एक ऑर्डर नंबर होता है जो आपको हर बार लेके चलना होता है ठीक है तो ऑर्डर प्रोसेसिंग दो तरीके की होती है एक परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग जब हम परचेज करते हैं जब हम ऑर्डर देते हैं हमें सामान मिलता है हम रिजेक्ट करते हैं उसको कहते हैं परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग और जब कोई कस्टमर हमें ऑर्डर देता है सेल करने के लिए हम जब सेल करते हैं तो उसको हम कहते हैं सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग ठीक है दोनों के शॉर्टकट्स अलग होते हैं और अब हम आपको ले चलते हैं टैली पर और हम आपको दिखाएंगे कि ऑर्डर प्रोसेसिंग सबसे पहले कैसे हम यूज करेंगे तो हम आ गए हैं टैली पर यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे हमेशा की तरह एक नई कंपनी अपने क्रिएट कर लेते हैं ताकि मैं आपको स्टार्टिंग से पूरा प्रोसेस बता सकूं। तो कंपनी का नाम भी हमको जैसे ही रख देते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग विद जीएसटी ठीक है इसे हम कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे जैसे ही हम सेव करते हैं तो यहाँ पे कंपनी फीचर का एक ऑप्शन आएगा इसे भी आपको सेव कर लेना है लेकिन एक चीज इसे सेव करने से पहले एक काम करते हैं कि जब हम जीएसटी और डिस्काउंट पढ़ रहे हैं तो हम साथ ही साथ जीएसटी और डिस्काउंट को भी इनेबल करके चलते हैं वरना बाद में हमें एफ एलेवन प्रेस करके वापस कंपनी फीचर बनाना पड़ेगा तो हम एंटर करते हुए जाएंगे सबसे पहले तो हमें इन्वेंट्री में लास्ट सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इन वॉइस इसको यस कर लेते हैं अगर आप इसके साथ डिस्काउंट नहीं यूज कर रहे हैं जीएसटी के साथ में ऑर्डर प्रोसेसिंग

सॉरी हमारी ए एस डी एफ ऐसे उसमें ए एस डी एफ जी वन टू थ्री फोर डी

जैसे मैंने कहा कि मैं मंथली रिटर्न फाइल करते हो रेगुलर वाले मंथली ही करते हैं इसके बाद आप इसे कंट्रोल ए से सेव कर दीजिए जीएसटी कब से एप्लीकेबल हो रहा है वो डाटा आप दे सकते हैं फिलहाल जीएसटी एप्लीकेबल तो स्टार्टिंग इसकी हुई थी 1 जुलाई 2017 से और बाकी आप अपने कंपनी के फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से भी दे सकते हैं ठीक है अब हम इसे कंट्रोल ए से सेव कर देंगे इसे अब यहां से भी कंट्रोल से सेव कर देंगे तो हमारा जीएसटी इनेबल हो चुका है डिस्काउंट इनेबल हो चुका है ठीक है अब हमारे जब दोनों काम हो चुके हैं अब हम बढ़ते हैं वापस अपने असाइनमेंट पर और देखते हैं हमारे पास एंट्री क्या है उस हिसाब से आगे हम काम करेंगे तो देखिए सबसे पहले एंट्री क्या है परचेज गुड्स फ्रॉम विमार्ट डेली डेली से हम सामान परचेज कर रहे हैं ठीक है अब कंपनी क्रिएट करते टाइम हमने अपनी डिटेल्स दी है यूपी की क्योंकि हम यूपी के हैं तो हमने यूपी की डिटेल्स दी है अब ध्यान से देखना कि जब हम डेली से परचेज कर रहे हैं ठीक है तो डेली हमारे लिए क्या हो गया इंटरेस्टेड हो गया और मैंने आपको जीएसटी के ट्यूटोरियल में ये बताया है कि जब हम इंटर स्टेट कोई भी ट्रेडिंग करते हैं मतलब अपने स्टेट से बाहर जब कुछ परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो उस पर लगता है आई और जब हम इन स्टेट कोई चीज परचेज या सेल करते हैं तब उस पर लगता है सी और एस दोनों ठीक है तो हमें देखिए पहले तो जो लेजर्स बनने हैं उनको पहले हम क्रिएट कर लेते हैं एक तो हमें गुड्स परचेज का बनाना होगा एक विमार्ट डेली का बनाना होगा साथ ही साथ एक हमें गुड सेल्स का बनाना होगा और एक राम का बनाना होगा जो कि हमारे आगरा यूपी के ही है ठीक है उसके साथ ही साथ हमें जीएसटी के भी लेजर क्रिएट करने होंगे तो चलिए सबसे पहले सारे लेजर क्रिएट कर लेते हैं एक सीरीज से सारे काम करेंगे तो ताकि काम करने में आसानी हो तो अब हम यहाँ से पहले आई के लेजर बना लेते हैं क्योंकि हम डेली से भी सामान परचेज कर रहे हैं तो हमें आई का लेजर बनाना होगा अब इसका अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस मैंने आपको बताया है सारे टैक्सेस अंडर ग्रुप हमेशा ड्यूटीज एंड टैक्सेस होता है टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में जीएसटी रहेगा और इसके बाद टैक्स टाइप में आईजीएसटी रहेगा परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन हम जी से नहीं देंगे क्योंकि हमारे हर आइटम पर अलग अलग जीएसटी लगेगी तो अभी हम से कोई रेट नहीं देंगे कंट्रोल से सेव से से करेंगे अगली लेजर से क्रिएट करेंगे टी के नाम से जिसका अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेज टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में जीएसटी और टैक्स टाइप में सी ठीक है इसे सेव कर देंगे अगली बनाएंगे एस की जिसका अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेज टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में जीएसटी

ठीक है एंटर करते हुए आएंगे बस जीएसटी आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा इसमें एप्लीकेबल होना चाहिए और एंटर करते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में हम देंगे गुड्स ठीक है क्योंकि अभी हम किसके सप्लाई कर रहे हैं जीएसटी किस पर लगा रहे हैं सामान पर सर्विसेज पर नहीं लगा रहे हैं। तो इसलिए हम टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेंगे और हम कंट्रोल लेजर से सेव कर देंगे अगली लेजर क्रिएट कर लेते हैं सेल्स की सॉरी सेल्स की नहीं इसके आगे लिख देते हैं गुड सेल्स ठीक है तो अगली लेजर हम अपने गुड सेल्स की क्रिएट कर लेंगे और इसका अंडर ग्रुप हम कर देंगे सेल्स अकाउंट एक सेकेंड अंडर ग्रुप रहेगा इसका सेल्स अकाउंट्स ठीक है एंटर करते हुए आएंगे जस्ट ही एप्लीकेबल रखेंगे टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे इसे सेव कर देंगे देन अगली बना लेते हैं वी मार्ट डेली की ठीक है इसका अंडर ग्रुप रहेगा इनसे हम परचेज कर रहे हैं तो अंडर ग्रुप रहेगा सेंडर क्रेडिटर और एंटर करते हुए ध्यान से अब आपको देखना है कि अब आपको इनका स्टेट जो है वो चेंज करना है अगर आप इनका भी स्टेट यहां से चेंज नहीं करेंगे तो उस पर फिर आईजीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि इंटर स्टेट है तो उस पर आईजीएसटी लगाना है और अगर आप यहाँ से यूपी ही रखेंगे तो इन पर आईजीएसटी फिर नहीं लगेगा तो आपको इनका स्टेट बस डेली कर देना और आपको इसको सेव कर देना है इन सब छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना होगा राम कहाँ के हैं आगरा के हैं तो राम के लेजर बना लेंगे संज डेटर में डाल देंगे और इनका हम स्टेट उत्तर प्रदेश ही रखेंगे ठीक है कंट्रोल लेजर से सेव कर लेंगे तो लेजर्स हमारे सारे क्रिएट हो चुके हैं अब चलते हैं वापस अपने असाइनमेंट पर तो देख रहे हैं सबसे पहला जो इसमें अब चीजें हैं वो क्या है कि परचेज गुड्स फ्रॉम बीमार्ट अब देखिए पूरा ऑर्डर प्रोसेसिंग का यहाँ से प्रोसेस है पहले हमने ऑर्डर दिया पंद्रह पीस शर्ट और दस पीस पैंट का उसके बाद हमें उसमें से कुछ चीजें नहीं भी रिसीव हुई बाकी चीजें रिसीव रसी हुई जैसे पंद्रह पीस की बजाय बारह पीस आए क्योंकि हो सकता है कि जब भी हम कभी ज्यादा बड़ा ऑर्डर देते हैं फिलहाल अभी तो मैंने यहाँ छोटा ही दिया है पर जब हम कभी बड़ा ऑर्डर देते हैं तो जरूरी नहीं है कि अगले के पास सारी चीजें अवेलेबल हों तो हमें कभी कभी लेस क्वान्टिटीज भी रिसीव होती हैं उन्होंने हमें

तो ऑर्डर प्रोसेसिंग पहले आप पढ़ चुके हैं तो अब आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा लेकिन मैं आपको पूरा बता देती हूँ कैसे करना है तो देखिए सबसे पहले हमें देना है परचेज ऑर्डर सारे शॉर्टकट्स मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख के रखे हैं परचेज ऑर्डर रिसीप्ट नोट रिजेक्शन आउट परचेज और पेमेंट ऐसे सेल्स ऑर्डर फिर जो हम डिलीवरी देंगे उसका फिर रिजेक्शन जो हमारे पास आएगा फिर जो हम सेल करेंगे फिर हम जो रिसीव करेंगे सबसे पहले परचेज ऑर्डर देंगे कंट्रोल प्लस एफ ठीक है तो हम आएंगे वापस टैली पर अब हम आएंगे वाउचर्स पर यहाँ से हम प्रेस करेंगे लेकिन देखिए ये क्या हो रहा है जब हम कंट्रोल प्रेस कर रहे हैं तो हमारा purchase order का voucher नहीं आ रहा है अगर हमारा वाउचर हम तो जो है वो शो तो हो रहे हैं देखिए सारे शो हो रहे हैं परचेज ऑर्डर लेकिन ये सब क्या है डीएक्टिवेट है अभी एक्टिवेट नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको इन सारे वाउचर्स को एक्टिवेट करना होता है इसमें जो जनरल जो कॉमन वाउचर होते हैं

अब ध्यान से देखना वाउचर को एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है ऑल्टर पर आना है वाउचर टाइप पर जाना है और आपको यहाँ से जिन जिन वाउचर्स को एक्टिवेट करना है उन पर जाकर आप उन्हें एक्टिवेट कर लीजिए जैसे हमें डिलीवरी नोट का भी करना है सारे एक साथ कर लेते हैं क्लाइंट सब डिलीवरी नोट पर आए और आप देखोगे कि जब हम आएंगे एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप पर तो उस पर नो लिखा हुआ है इसका मतलब एक्टिवेट नहीं है इसे हम वाई प्रेस करके यस करेंगे और सेव कर देंगे एक एक्टिवेट हो गया वापस आते हैं अगले पर अगला हमें मिल रहा है परचेज ऑर्डर उस पर आएंगे परचेज ऑर्डर पर और इसे भी यस yes करके सेव कर लेंगे दो हो चुके हैं अगला आते हैं रिसीप्ट नोट पर इसे भी यस yes करके सेव कर लेंगे और अगला आते हैं रिजेक्शन इन पर चौथा वाउचर हमारा यस करेंगे और सेव कर लेंगे अगला आता है रिजेक्शन आउट उस पर भी आएंगे यस करेंगे और इसे सेव कर लेंगे और लास्ट हमारा है सेल्स ऑर्डर उस पर आएंगे और इसे यहाँ से यस करेंगे और सेव कर लेंगे तो इस तरीके से टैली में आप अपना कोई भी वाउचर जो हो वो आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं अब हम इसके करके बाहर आएंगे सबसे पहले तो मैं अपने कंपनी का पीरियड चेंज कर, दे, कर देती हूँ इसका भी पीरियड जो है वो गलत आ रहा है एक अप्रैल तेईस से इकतीस मार्च चौबीस आ रहा है तो उसे मैं एक अप्रैल चौबीस से एक सेकेंड तो उसे मैं कर देती हूँ एक अप्रैल चौबीस से इकतीस मार्च पच्चीस ठीक है अब इसके बाद जिलेब हम करेंगे वाउचर एंट्री वाउचर्स पर आएंगे आप वाउचर आपको बता दूं कि जब हम ऑर्डर देंगे तब भी जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि ऑर्डर देते टाइम कभी भी जीएसटी नहीं लगता है ठीक है क्योंकि जब हम ऑर्डर दे रहे हैं तब क्या वो हम जीएसटी लगा देंगे ऑर्डर जब हमारे पास सामान आएगा फाइनल हम परचेज करेंगे तब जीएसटी लगेगा ना रिसिप्ड में लगेगा ना रिजेक्शन आउट में लगेगा तब लगेगा जब हम फाइनल परचेज करेंगे तभी आप अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं या फिर आप जीएसटी लगा रहे हैं तो वो हमेशा तभी लगेगा जब आप लास्ट परचेज या फिर चीजें सेल कर रहे हैं ठीक है तो स्टार्टिंग से प्रोसेस आपकी नॉर्मल चलेंगी पहले हम ऑर्डर दे रहे हैं किस किसका पंद्रह पीस शर्ट का चलिए आ जाते हैं इस पर पार्टी अकाउंट नेम में ले लेते ले हैं विमार्ट ठीक है विमार्ट देते हुए एंटर करते हुए इधर आएंगे और एंटर करते हुए इसे हम एंटर करते हुए इसे सेव कर देंगे ऑर्डर नंबर आप देखिए जैसे ही हम ये दे रहे हैं तो हमें ऑर्डर नंबर मिल रहा है वन इसे अभी आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको कोई दूसरा ऑर्डर नंबर मिला है तो आप उसे अभी यहाँ से चेंज कर सकते हैं पर जो भी आप ऑर्डर नंबर यहाँ से लेंगे ध्यान रखिएगा आखिरी पेमेंट तक आपको वही ऑर्डर नंबर लेके चलना है ठीक है ताकि चीजें हमारी ट्रैक होती रहे उसके बाद परचेज लेजर में गुड्स परचेज अब हमें स्टॉक ग्रुप स्टॉक आइटम क्रिएट करना होगा तो ध्यान से देखिएगा पंद्रह पीस शर्ट पंद्रह पीस शर्ट हमें क्या कर रहे हैं हम ऑर्डर दे रहे हैं अब हमें पहले शर्ट का स्टॉक आइटम बनाए इसके पहले मैं आपको एक चीज़ और समझा दूं कि इन पर है जीएसटी कितना कितना परसेंट जीएसटी लग रहा है बारह बारह सारे कप सारी चीजों पे मतलब शर्ट और पैंट दोनों पर बारह बारह परसेंट जीएसटी लग रहा है तो या तो अब हमें शर्ट और पैंट दोनों के हम स्टॉक आइटम में पंद्रह 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 परसेंट जीएसटी दे देंगे या फिर एक काम करते हैं कि हम स्टॉक ग्रुप में भी जीएसटी दे सकते हैं आपके पास दो ऑप्शन होते हैं या तो आप आइटम में जीएसटी दे दें या फिर आप ग्रुप में दे दें अगर हम ग्रुप में जीएसटी देंगे तो हमें एक ही बार सिर्फ देना पड़ेगा पीटर इंग्लैंड में फिर जब भी हम इन दोनों आइटम में ये वाला ग्रुप सेलेक्ट किया करेंगे तो इसका जीएसटी रेट अपने आप इन दोनों में आ जाएगा या फिर हम दोनों आइटम पर अलग अलग दें तो हमें फिर दो बार रेट देना पड़ेगा। ताकि हमें हर में अलग -अलग ना देना पड़े पर अगर अलग अलग आइटम का अलग अलग ग्रुप है तो हमें हर आइटम में फिर हम दे देते तो आपकी मर्जी है जैसे आप देना चाहे अभी ग्रुप में दे दूंगी ठीक है तो चलिए हम ऑल्ड प्लेस, प्लेस करते हैं और यहां से हम स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं शर्ट का अब देखना आप अंडर में हमें स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना होगा अच्छा स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने से पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ से भी देखिए हम जीएसटी का रेट दे सकते हैं और स्टॉक ग्रुप में भी जाके आपको सेम ऐसी ही स्क्रीन दिखेगी तो ऑल्ट प्लस सीप यहां से भी प्रेस करेंगे और पीटर इंग्लैंड का हम यहाँ से ग्रुप क्रिएट कर लेंगे जो कि दोनों का ही है शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड को यस करेंगे और आप देखोगे सेम वैसी स्क्रीन आ रही जैसे उधर आ रही थी अब देखिए एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप में हम हम इसकी जगह लेंगे स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर

पीस के नाम से और इसे सेव कर देंगे ठीक है जीएसटी एप्लीकेबल होना चाहिए बाकी हमने रेट जो उधर दिया था वो हमारा इधर अप्लाई हो ही गया टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और इसे सेव कर देंगे एक स्टॉक ग्रुप हमारा बन चुका है अब ध्यान से देखिएगा ऑर्डर प्रोसेसिंग भी हमारा साथ साथ चल रहा है ड्यू ऑन एक अप्रैल दो अगर आप डेट चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से डेट चेंज कर सकते हो जैसे मैंने कर दिया एक एक, एक सेकेंड एक मई ठीक है हम चाहे तो वाउचर की डेट भी चेंज कर सकते हैं कितने पीस हम ऑर्डर दे रहे हैं पंद्रह पीस ठीक है रेट क्या है टू तो हम देंगे पंद्रह पीस का ऑर्डर है रेट है वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन एंट्र किया डिस्काउंट अभी हम नहीं देते हैं हमें पता है कि हम लास्ट जब परचेज करेंगे तब हम डिस्काउंट दे देंगे एंटर करेंगे सेव करेंगे एफ टू से एक बार हम यहाँ के भी डेट चेंज कर देते हैं एक मई ठीक है क्योंकि हम एक मई में एंट्री कर दिखाना चाहते हैं अब हम एंटर करेंगे अब हमारा दूसरा आइटम यहाँ से ले लेते हैं ऑर्डर देते टाइम क्या है टेन पीस पैंट जिसका रेट है वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड ऑल प्लस प्रेस करेंगे यहाँ से दे देंगे स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे पैंट का अब देखना जैसे ही हम यहाँ से पीटर इंग्लैंड वाला ग्रुप लेते हैं आप देखोगे कि यहाँ पर जो जीएसटी का रेट जो जीरो परसेंट दिखा रहा है ना वो भी देखना ऑटोमेटिकली ट्वेल्व परसेंट हो जाता है तो ये फायदा हो गया है हमें ग्रुप में देने के बाद अब हमें आइटम में दो बार नहीं देना पड़ेगा एप्लीकेबल रखेंगे यहाँ से एंटर करते हुए आ जाएंगे टाइप ऑफ सप्लाई में गोट सकेंगे इसे सेव कर देंगे कितना पंद्रह पीस शायद हम ऑर्डर दे रहे थे नहीं शायद हम टेन पीस ऑर्डर दे रहे थे मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेती हूँ टेन पीस वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन तो यहाँ पर हम रखेंगे टेन पीसेज ठीक है वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन एंट्री करते हुए ऐसे

जब हम ऑर्डर दे देते हैं उसके बाद जो सामान मिलता है उसको रिसीप्ट नोट में हमेशा रिकॉर्ड करते हैं ऑल्ट प्लस तो हम ऑल्ट के साथ एफ नाइन प्रेस करेंगे रिसीप्ट नोट वाउचर मिलेगा रेफरेंस नंबर हम यहां पे दे, दे देंगे वन ठीक है एंटर करते हुए चलेंगे और आप अगर आप यहां से चाहें रेफरेंस नंबर अभी चेंज भी कर सकते हैं वही रेफरेंस नंबर आपका सब में चलता रहेगा फिर जैसे वन जीरो वन आपने कर दिया डेट दे दी कि आपको कब रिसीव हुआ तो मैंने दे दिया यहाँ से दो मई को मुझे रिसीव हुआ ठीक है आप एफ टू प्रेस करके यहाँ से दो मई की डेट डाल दीजिए क्योंकि हमें वाउचर डेट भी चेंज करनी होगी करंट डेट भी चेंज कर दी पार्टी अकाउंट नेम में हम लेंगे किसको ऑर्डर दिया था वीमार डेली अब आप देखना जैसे एंटर करोगे ना तो ये लिस्ट ऑफ ऑर्डर पूछेगा कि कौन से ऑर्डर की आप बात कर रहे हो तो आप अपना एक नंबर वाला ऑर्डर चूज कर लेना एंड ऑफ लिस्ट कर देना एंटर करते हुए आप नीचे आ जाना अब देखोगे कि जैसे ही हम ऑर्डर नंबर चूज करते हैं तो आप देखोगे कि सारे जो स्टॉक आइटम जितनी चीजें हमने ऑर्डर दी थी वो सब डिटेल अपने आप आ जाएगी तो आपको ये ऑर्डर नंबर नहीं छोड़ना है बस हमें यहाँ से अब क्वांटिटी चेंज करनी होगी ट्रैकिंग नंबर हमें अपना वन वन ही लेके चलना है ठीक है जो हमने दिया था एंटर करते हुए आना है अब हमें इसके 12 पीस पीस रिसीव हुए तो हम से 12 पीस दे देंगे देंगे रेट सेम रहने देंगे, और एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे दूसरा पैंट पर आएंगे पैंट का सब सेम है हमें 10 पीस पूरे पूरे रिसीव हुए हैं तो एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे और एंटर करके इसे सेव कर देंगे तो रिसीव नोट की हमारी एंट्री हो गई अब अगला क्या है अगला यह है कि हमने रिजेक्शन हमने किया है कुछ पीसेस का क्योंकि हो सकता है हमारे पास क्वालिटी इशू हो या फिर साइज का इशू हो या फिर डिफेक्टिव आइटम हो तो हम उन्हें दो पीस शर्ट के और चार पीस पैंट के वापस कर रहे हैं रेट चेंज नहीं होगा रेट वही चलता रहेगा दो पीस शर्ट और चार पीस पैंट रिजेक्शन आउट वाउचर में जाएगा कंट्रोल प्लस एफ फाइव कंट्रोल प्लस एफ फाइव प्रेस करेंगे रिजेक्शन आउट पर आएंगे ठीक है रिजेक्शन आउट मतलब जब हम रिजेक्शन भेज रहे हैं तब रिजेक्शन आउट कहते हैं और हमारे पास अगर तो रिजेक्शन आ जाए तो उसे रिजेक्शन इन कहते हैं लेजर में बीमार चूज करेंगे यहाँ से भी उनका अगर एड्रेस डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो नोएडा ठीक है नेम ऑफ आइटम में हम यहाँ से आइटम चूज कर लेंगे किसकी बात करें शर्ट की अब आपको ट्रैकिंग नंबर अपना वन जीरो वन वाला लेके चलना है जैसे चल रहे थे जिससे बिल्कुल भी चेंज मत करिएगा इसे आप याद रखिएगा कितने पीस हम वापस कर रहे हैं शर्ट का तो शर्ट के हम टोटल पीस वापस कर रहे हैं दो और पैंट के चार तो हमने यहाँ से दिया दो पीस ठीक है एंटर करते हुए इधर आ जाएंगे एंड ऑफ लिस्ट करेंगे वापस पैंट देंगे पैंट देते ही अपना ट्रैकिंग नंबर ले लेंगे और यहाँ पे दे देंगे चार पीस ठीक एंटर करते हुए से हम सेव कर देंगे तो ये हमने दे दिया है रिजेक्शन अब बात आती है कि अब हमारे पास बारह बारह पीस बारह और दस पीस रिसीव हुए थे जिसमें हमने दो और चार पीस वापस कर दिए इसका मतलब जो हमारे पास फाइनल बचे हुए हैं वो हमने खरीद लिए है ना तो उन्हें अब हम रिकॉर्ड करेंगे परचेज में और अभी और अभी उस पर लगेगा जीएसटी और अभी उस पर लगेगा आपका डिस्काउंट ठीक है तो अब हमारे पास टोटल जो शर्ट के पीस बचे हैं वो है दस और पैंट के जो पीस बचे हैं वो है छह क्योंकि पंद्रह थे उसमें से बारह बारह आए थे दो शर्ट हमने वापस कर दी तो दस पीस आपकी शर्ट बची है पैंट पूरी आई थी दस उसमें से चार वापस कर दी तो बची छह फिलहाल ये आपको वहां पर देनी नहीं पड़ेगी ऑर्डर नंबर ट्रैकिंग नंबर अगर आप सही लेके चलोगे तो ये क्वांटिटी अपने आप फिल हो जाएगी तो हम हम आएंगे एफ नाइन प्रेस करके परचेज वाउचर पर सप्लायर का इनवाइस नंबर अपना वही दे देंगे वन जीरो वन एंटर करेंगे डेट अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से डेट चेंज कर सकते हो कि मैंने दिखा दिया इकतीस मई ठीक है यहाँ से भी मैंने दिखा दिया इकतीस मई इसके बाद पार्टी अकाउंट नेम में हम लेंगे वीमार्ट आपका ट्रैकिंग नंबर आपको लेके चलना है एंटर करना है ठीक है एंटर करना है एंटर करते रहना है आपको इस तरीके से अब आप देखोगे गुड्स परचेज लिया अब आप खुद देख रहे हैं कि शर्ट के ऑटोमेटिकली दस पीस आ गए पैंट के भी ऑटोमेटिकली आटो, छः पीस आ गए जो कि हमारे ठीक ठीक एंटर करते हुए इस पर हम आ जाएंगे अब देखिए अब हमें इस पर डिस्काउंट भी देना है शर्ट पर हमें कितना डिस्काउंट मिला है पंद्रह परसेंट पैंट पर भी मिला है पंद्रह परसेंट तो अब हम डिस्काउंट वाले कॉलम में यहाँ पे पंद्रह परसेंट डिस्काउंट दे देंगे और एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे ऐसे ही अब हम पैंट पर आएंगे और पैंट में भी यहाँ पर हम पंद्रह परसेंट डिस्काउंट दे देंगे और इसे एंटर करके सेव कर देंगे अब गाइज हमें लगाना है इस पर जीएसटी जो कि दोनों पर बारह बारह परसेंट लगा हुआ है ठीक है अब ये है डेली के हैं तो इस पर लगेगा आईजीएसटी तो अब आपको एंटर करते हुए इस वाले टोटल के नीचे आ जाना है क्योंकि जीएसटी में ऑन टोटल लगेगा तो एंटर करेंगे एक और बार तो आप टोटल के नीचे आ जाएंगे अब आपको यहाँ से अपने आईजीएसटी वाली लेजर सेलेक्ट करनी है और एंटर कर देना है अगर आपने सारी प्रोसेस बिल्कुल सही की है तो आपका ये आई जी एस टी ट्वेल्व परसेंट कट के आ जाएगा ठीक है अगर ये आ जाता है इसका मतलब आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल सही है अगर कहीं भी अगर आपका आई जी एस टी नहीं आता है ब्लैंक हो जाता है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं लेजर में या तो दिक्कत की अगर आपने या तो हो सकता है बीमार्ट का सही स्टेट चूज़ नहीं किया है या कोई भी इस तरीके की गलती हो सकती है कि आपने कहीं पर जी एस टी अपीकेबल नहीं किया है तो आप इस तरीके से आप एंट्री करके इसे सेव कर देंगे ठीक है न्यू रेफरेंस में डालेंगे और इसे एंटर करते हुए सेव कर देंगे इनका पेमेंट करना चाहेंगे तो आप आप इनका पेमेंट कर सकते हैं तो एफ आई प्रेस करेंगे हम किसका पेमेंट कर रहे हैं वीमा डेली का कैश तो हमारे पास है नहीं नेगेटिव ही दिखाएगा कितना पेमेंट करना है टू थाउजेंड वो ट्वेंटी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड एटी फोर रुपीज़ पॉइंट सेवन सेवन पैसे एंटर करते हुए आएंगे अगेंस्ट में इसको डालेंगे ठीक है क्रेडिट साइड हमारा कैश रहेगा जो कि अभी तुरंत नेगेटिव दिखाएगा और इसे एंटर करके हम सेव कर देंगे तो तो ये तो हो गया हमारा परचेज ऑर्डर आपने देखा कितना स्मूथली हमने पूरी प्रोसेस कर लिया है अब ऐसे ही बिल्कुल है हमारा सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग अगर आपने परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग कर लिया तो सेल्स आपके लिए बहुत आसान है अब देखिए क्या है सोल्ड गोस्ट टू राम राम से सामान खरीद रहे हैं लेकिन सबसे पहले हम क्या दे रहे हैं सॉरी सबसे पहले राम हमें क्या कर रहा है राम हमें ऑर्डर दे रहे हैं कितने पीसेस का बारह पीस शर्ट का ऑर्डर दे रहे हैं और आठ पीस पैंट का दे रहे हैं हालांकि हमारे पास इतनी क्वांटिटी है नहीं शर्ट हमारे पास दस ही है और पैंट हमारे पास छः ही है पर इन्होंने हमें ऑर्डर दिया है तुम तो ऑर्डर ले लेंगे क्योंकि हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर पड़े रहेंगे तो हम आगे चल के कभी उन्हें ये वापस दोबारा से भी डिलीवर करा सकते हैं तो इनसे हम ऑर्डर लेंगे बारह पीस शर्ट का और आठ पीस पैंट का तो हम यहाँ से अब अपना यूज करेंगे सेल्स ऑर्डर जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एफेड सेल्स ऑर्डर का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एफेड ठीक है कंट्रोल के साथ एफेड प्रेस करेंगे सेल्स ऑर्डर पर आएंगे यहाँ से पार्टी अकाउंट नेम में देंगे राम आगरा एंटर करते हुए आएंगे और उसके बाद में एंटर करते रह के देन ऑर्डर नंबर आपका देखिए दो आ गया है ऑटोमेटिकली आप यहाँ से अगर डेट चेंज करना चाहें तो डेट हम यहाँ से चेंज कर देंगे वापस से एक मई की डेट ले लेते हैं ऑर्डर नंबर हमारा आ गया है और उसके बाद सॉरी हम हम अभी हम क्या कर रहे हैं सेल्स ऑर्डर कर रहे हैं ना तो हमें प्रेस करना था कंट्रोल प्लस एफ एट मैंने गलती करी है कंट्रोल प्लस एफ एट में हम राम आगरा लेंगे ऑर्डर नंबर वन हमारा आ जाएगा क्योंकि हम पहली बार ऑर्डर ले रहे हैं गुड सेल्स के लेजर ले लेंगे शर्ट का अब हम इनसे ऑर्डर लेंगे ठीक है कितनी क्वान्टिटी हमें ऑर्डर कर रहे हैं ये शर्ट का ट्वेल्व पीसेस और हमने इन्हें रेट बताया है वन तो हम यहाँ पर देंगे ट्वेल्व पीसेस ठीक है अब जैसे ही आप ट्वेल्व पीसेस दोगे आपको दिखाएगा नेगेटिव स्टॉक माइनस टू क्योंकि हमारे पास टोटल टेन है तो हम ट्वेल का ऑर्डर कैसे ले रहे हैं पर कोई बात नहीं हम ऑर्डर ले लेते हैं रेट दे देंगे वन थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन्टी नाइन एंट्र करते हुए डिस्काउंट डिस्काउंट अभी कुछ भी नहीं देंगे वैसे सिर्फ ऑर्डर ले रहे हैं पैंट दे देंगे ठीक है पैंट की कितनी क्वान्टिटी एट पीसेस जिसका रेट है टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन एट पीसेस यहाँ पर भी नेगेटिव दिखाएगा एंट्र करके आगे बढ़ेंगे टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन एंट्र करते हुए इसे भी हम सेव कर देंगे ठीक है तो हमने ऑर्डर ले लिया है एक मई को और अब हम इसे सेव कर देंगे चलिए अगला अब अब क्या स्टेप है अब हम इन्हें डिलीवरी देंगे जो जितना जितना आइटम हमारे पास है उसके मैंने डिलीवरी दे देंगे हमारे पास दस पीस शर्ट की है छह पीस पैंट के वो उन्हें हम टोटल डिलीवर कर देते हैं इसके अब एंट्री होगी किसमें डिलीवरी नोट में डिलीवरी नोट का शॉर्टकट क्या है ऑल्ट प्लस एफेट ठीक है क्योंकि हम डिलीवरी दे रहे हैं तो उसका शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस एफेट ऑल्ट प्लस एफेट हम प्रेस करेंगे डिलीवरी नोट पर आएंगे पार्टी अकाउंट नेम में हम ले लेंगे राम आगरा ठीक है ऑर्डर नंबर अपना यहाँ से लेके ही चलेंगे एंड ऑफ लिस्ट करेंगे उसके बाद में एंटर करते हुए आएंगे गुड सेल्स लेंगे शर्ट में देखिए और ट्रैकिंग नंबर ले लेंगे अपना वन ऑर्डर नंबर ले लेंगे वन हमारे पास टोटल टेन पीसेस थे तो हम टेन पीसेस इन्हें डिलीवर कर देंगे ठीक है ऐसे पैंट पर आते हैं ऑर्डर नंबर वन ट्रैकिंग नंबर वन इसके सिक्स पीसेस थे पैंट के तो इन्हें हम सिक्स पीसेस यहाँ से डिलीवर कर दे रहे हैं ठीक है और इसे अब हम एंट्री करके सेव कर देंगे अब अगला प्रोसेस क्या आता है अगला प्रोसेस ये है कि इन्होंने मुझे तीन पीसेस शर्ट के और एक पीस पैंट का इन्होंने मुझे वापस कर दिया क्योंकि हो सकता है कि इन्हें उसमें क्वालिटी अच्छी ना लगी हो हो सकता है इन्हें वो डैमेज लगे हो या हो सकता है उन्हें उसका साइज का इशू हो तो इन्होंने भी मुझे तीन पीस शर्ट के और एक पीस पैंट का इन्होंने मुझे वापस कर दिया है अब इसको हम रिकॉर्ड करेंगे रिजेक्शन इन में किस में रिजेक्शन इन में क्योंकि हमारे पास रिजेक्शन आया है कंट्रोल प्लस एफसिक्स ठीक है तीन पीस शर्ट एक पीस पैंट तो वापस आते टैली पर कंट्रोल के साथ एप्स एक्सप्रेस करेंगे रिजेक्शन इन लेजर में चूज करेंगे राम आगरा इधर भी राम आगरा यहाँ से इनका हम एड्रेस दे, दे देंगे उत्तर प्रदेश ठीक है एंटर करते हुए शर्ट ले लेंगे शर्ट का ट्रैकिंग नंबर एक यहाँ पर हम पीस दे देंगे दे दे, तीन पीस एंटर करते हुए इसे सेव से कर देंगे ऐसे ही हम पैंट लेंगे ट्रैकिंग नंबर वन और इसका दे, दे देंगे कितना पीस वापस क्या है एक पीस इसे भी करके सेव कर देंगे एक बार चेक कर लेते हैं सही मैंने दिया है तीन पीस और एक पीस ठीक है इसे भी एंटर करके हम सेव कर लेंगे तो हमारे पास रिडक्शन भी आ गया अब इसका मतलब यह है कि अब जितना इनके पास बच गई है शर्ट और पैंट इसका मतलब वो इन्होंने परचेज कर लिया है तो वो आइटम हमारा सोल्ड हो चुका है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स वाउचर में सेवन पीस शर्ट के फाइव पीस पैंट के जो कि क्वांटिटी अपने आप वहां पर आ जाएगी और रेट हमारा पहले से फिक्स है हम इन्हें डिस्काउंट दे रहे हैं दस दस परसेंट और जीएसटी तो लगाएंगे ही लगाएंगे ठीक है अब आ जाते हैं एफ एड वाउचर सेल्स वाउचर पर पार्टी अकाउंट नेम यहाँ से ले लेंगे राम आगरा ठीक है ऑर्डर नंबर लेके हुए चलेंगे ऐसे इस तरीके से टेन एंटर करते हुए आएंगे अभी एफ से हम डेट चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं गुड सेल्स का लेजर लेंगे आप देखेंगे कि शर्ट की क्वांटिटी अपने आप आ गई है सेवन पीसेस डिस्काउंट इन्हें हम टेन परसेंट दे रहे हैं वो यहीं से दे देंगे एंड ऑफ लिस्ट करेंगे ऐसे पैंट के भी टोटल आ गई है फाइव पीसेस क्वांटिटी डिस्काउंट इस पर भी टेन है वो भी दे, दे देंगे एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे टोटल के नीचे आएंगे अब हम हम और यहां से इन पर जीएसटी लगाएंगे अब देखिए ये आगरा के हैं यूपी है, के हमारे स्टेट है ये मतलब हमारे स्टेट के के अंदर हैं तो इन पर लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी तो पहले तो हम सीजीएसटी सेलेक्ट करेंगे एंटर करेंगे फिर हम एसजीएसटी सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे अब टोटल ट्वेल्व परसेंट जो जीएसटी थी उस पर छह परसेंट सी पे कट गया छह परसेंट एस पे कट गया अब आप इसको एंटर करके सेव कर सकते हैं अगर आप इसको प्रिंट करना चाहें तो प्लस पी प्रेस करेंगे करंट पर जाएंगे और आप यहां से इसका प्रीव्यू चेक कर सकते हैं अब आप देखेंगे इसका प्रीव्यू आपके सामने है इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि हमने इन्हें शर्ट पैंट जो सेल किया है उस पर हमने इन्हें दस दस परसेंट डिस्काउंट दिया है सी जी कट के आया है सी जी एस टी एस जी एस टी का डेट भी देखिए आपको नीचे यहाँ पर दिख रहा है छह परसेंट आपका सी जी एस टी लगा है बारह सौ इकतालीस रुपये पैंतीस पैसे और छह परसेंट आपका एस जी एस टी या यूटी जी एस टी लगा है जिसका बारह सौ इकतालीस रुपये है टोटल आपका इतना जीएसटी बना है ठीक है तो इस तरीके से आप इसका इस, इसको आप सेव करके रख सकते हैं प्रिंट करके रख सकते हैं अदरवाइज आप वाउचर को सेव कर दीजिए अब हम इनसे रिसिप्ट लेना चाहेंगे तो एप सेक्सप्रेस करेंगे और हम ले लेंगे राम आगरा से रिसिप्ट कितना इन पर अमाउंट बन रहा है ट्वेंटी थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सेवेंटी वन रुपीज पॉइंट नाइन जीरो पैसे अगेंस्ट में ही इनको डालेंगे और डेबिट साइड में अपना कैश दिखा देंगे ताकि हमारे पास थोड़ा सा कैश आ भी जाए अब हमारे पास थोड़ा ही कैश माइनस में बचा हुआ है तो एंटर करके इसे भी हम सेव कर लेंगे तो भाई ये था पूरा प्रोसेस ऑर्डर प्रोसेसिंग विद जी एस टी एंड डिस्काउंट आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मैंने पूरी कोशिश की है आपको बहुत ही स्मूथली समझाने की फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है आप हमें कॉमेंट करके जरूर पूछ लें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें हम लोग मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में टिल दन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग विल नाइस डे है नाइस